नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेक के एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक प्रोडक्ट की जो हमें भेजा है अमेरिकन माइक्रोनिक ने, और ये एक OTG है जिसकी कैपेसिटी है 36 लीटर। तो चलिए देखते हैं इसके आउटर बॉक्स पे और क्या क्या मेंशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है जो कि है AMI OTG 36 LDX, और जिसका ग्रॉस वेट है वो है 10.75 kg और नेट वेट है 9.4 kg। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओके, तो मैंने इसका आउटर बॉक्स निकाल लिया है और अंदर आने पे एक और बॉक्स है जिसपे इसकी कैपेसिटी वगैरह लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसका ब्रांडिंग है अमेरिकन माइक्रोनिक्स ओवन टोस्टर ग्रिलर, जिसकी कैपेसिटी इन्होंने लिखी हुई है 36 लीटर, और जो इसका वाट लिखा हुआ है 2000 वाट लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि ये 2000 वाट का कैसे है जब हम इसको खोलेंगे। इसको घुमा के देख लेते हैं एक बार बॉक्स को, और देखिए इस पे लिखा हुआ है मोटराइज्ड रोटिसरी, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। और 2000 वाट का है ये, और इसमें 120 मिनट का टाइमर है। ओके, और जिसमें अपर और लोअर ग्रिल है दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने बटन्स दिए हुए हैं, तो वो भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो दोस्तों बॉक्स से निकालने के बाद ये सारा सामान निकला है। कुछ इसकी ट्रेज हैं, कुछ ट्रे आई हैं इसके साथ, और ये देखिए अंदर भी इसमें कुछ टूल्स हैं। तो ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं इनको लगा के बताऊंगा कि किसका क्या फंक्शनैलिटी है। एक ही आपका वारंटी कार्ड निकला है इसके अंदर, और एक ही आपका मैनुअल निकला है। तो चलिए अब हम इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें 4 नॉब्स हैं। ये वाली नॉब जो है ये टेम्परेचर की है, और ये वाली भी टेम्परेचर की है। तो ये 2 नॉब्स इसमें टेम्परेचर के लिए हैं। तो ये वाली नॉब जो है वो है अपर हीटर एलिमेंट के लिए, और ये वाली है लोअर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रॉड नीचे हैं और 3 ऊपर हैं। तो ये वाली टॉप के लिए, ये वाली लोअर के लिए, और ये आपका फंक्शन मेन्यू है। तो आप इसको फंक्शन नॉब बोलेंगे। तो देखिए अगर आपको सिर्फ अपर रोड्स को यूज़ करना है तो आप इसे ऑन पे रहने देंगे, अपर हीटर देन लोअर हीटर देन अपर लोअर बोथ देन कन्वेक्शन आल्सो देन रोटेशन आल्सो। सो इस तरह से इसकी फंक्शन नॉब हो गई। और जो लास्ट नॉब है वो है आपकी टाइमर नॉब। तो आप देखेंगे, मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ एक बार। तो इस तरह से टाइमर है, ये टिक टिक आवाज आती है इसमें, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये अलार्म बजता है। और यहाँ पे साइड में इसमें वेंटिलेशन है, और ये गेट जो है इसका 2 बारी में खुलता है। तो इस तरह से ये 2 स्टॉप्स पे इसका गेट खुलता है। आप यहाँ पे भी इसको रोक सकते हैं, और या तो यहाँ पे आप इसको पूरा खोल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके डायमेंशन मेज़र कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अमेज़ॉन पे ये क्वेश्चन था कि उनके किचन में ये फिट होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं इसको लाइव डायमेंशन इसकी मेज़र करूँगा। तो चलिए अब मैं इसके डायमेंशन आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना बड़ा है। तो आप ऐसे देखेंगे तो ये लगभग 11.5 आ रहा है, ऐसे देखेंगे तो ये 20 आ रहा है, ऐसे ये 20 आ रहा है। और अगर आप इसको ऐसे इसकी डेप्थ देखेंगे, तो मैं पीछे वाले मेज़र से नाप के दिखाता हूँ आपको, तो ये लगभग आपका 15 आ रहा है। तो अगर आपको इसको कहीं रखना है तो आपको कम से कम दीवार से इसको 15 इंच जगह चाहिए होगी, और अगर आपको विड्थ में रखना है तो आपको चाहिए होगी लगभग 20 से 21 इंच जगह, और हाइट में इसकी चाहिए आपको लगभग 11.5 या 12 पकड़ लीजिए आप। तो ये इसकी होगी डायमेंशंस। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा बर्तन आ सकता है, तो मैं इसको आपको अंदर से भी डायमेंशन बता देता हूँ। तो आप अंदर से देखेंगे तो ये लगभग आपका 14 आ रहा है, और हाइट के हिसाब से आप देखेंगे तो ये आ रहा है आपका लगभग 9.5। और अगर डेप्थ देखेंगे आप इसकी तो ये आ रही है आपकी 14, और ये सारी डायमेंशन इंचेस में है। तो अगर आपको कितना बड़ा बर्तन रखना है या आपके किचन में फिट होगा नहीं होगा, आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो चलिए अब हम इसकी वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 3 हीटिंग एलिमेंट नीचे हैं और 3 हीटिंग एलिमेंट ऊपर हैं, और जो फ्रंट वाला है वो आपका 400 वाट का है और बाकी पीछे के 300 वाट के हैं। तो 400, 300, 300, 1000 ये हो गया आपका, और ऊपर भी 400, 300, 300, 1000 हो गया। तो टोटल 2000 वाट का ये पूरा OTG है। मैं आपको इसकी रॉड्स भी दिखा देता हूँ जो अंदर हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 नीचे हैं इसमें और 3 ही ऊपर हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो इसके साथ यूटेंसिल्स आए थे उनको कैसे इसके अंदर अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रम ट्रे। तो ये एक ट्रे आई थी इसके साथ, इसको ये क्रम ट्रे बोलते हैं, और ये इसलिए है कि आप जो भी खाना बनाएं तो वो आपका इसी के ऊपर गिरे और आपको वॉश करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो आप इसको सबसे नीचे लगा सकते हैं। तो आपका जो भी खाना बनेगा वो इस पर गिरेगा,
और ये बहुत ही इजीली वॉशेबल है, आप इसको ऐसे निकाल के वॉश कर सकते हैं और करने के बाद वापस इसको रख सकते हैं। तो ये वो पहला टूल है जो इसके साथ आया है। चलिए हम देखते हैं दूसरी ट्रे कौन सी आई है। तो जो दूसरी ट्रे है वो है बेक रैक। तो ये आपका बेक रैक है और इसको आप चार प्लेसेस पे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार सेक्शन बने हुए हैं। अगर आपको नीचे वाली रॉड से इस पे कुछ बेक करना है तो आप नीचे वाली रॉड पे लगा सकते हैं। और ये आपका फोर सेक्शन हो गया अगर आपको टॉप से करना है। तो इसमें चार प्लेसेस हैं जहाँ पे आप इस ट्रे को यूज कर सकते हैं। जो सेकंड रैक आया है वो आया है बेक पैन। तो ये देखिए आपका बेक पैन है। मैं इस वाली ट्रे को निकाल देता हूँ और बेक पैन को इसमें लगा देता हूँ। तो इस तरह का बेक पैन आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप किसी भी सेक्शन में लगा सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है या कुछ भी बेकिंग करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इस पर पिज़्ज़ा रख के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ये आपका एक रैक हो गया जिसको इन्होंने बोला हुआ है बेक पैन। तो बेक पैन इज़ यूज़ फॉर जैसे आपको मीट बेक करना है, पिज़्ज़ा बनाना है, बीन्स बनानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए बेक पैन हो गया। और जो अगला टूल है वो ये है। अगर आपको इस पर चिकन रोस्ट करना है या पनीर टिक्का बनाना है तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक सेक्शन है जिसमें आपको ये लगाने के ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सेक्शन बना हुआ है, आप इसमें लगा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये पेच है, आप इसको आगे पीछे करके इसमें जो भी फंसाना है वो फंसा सकते हैं। ये देखिए ये आगे पीछे हो जाएगा, आप इसमें चिकन लगा के इसको करके और दोबारा से इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये आपका अच्छे से इसमें फंस जाएगा। उसके बाद आप इसको इसमें लगाएंगे तो ये इस तरीके से ये रोटेट होता है। जब ये चलता है तो ये रोटेट होता है। और अगर आप उसको निकालना है तो आप इसकी हेल्प से, इस वाले स्टैंड की हेल्प से इसको पकड़ के ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो बहुत गर्म हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए ये वाला स्टैंड है और जो बाकी ट्रेस थी उसको निकालने के लिए इन्होंने एक दूसरा स्टैंड दिया हुआ है जो कि ये वाला। तो अगर बाकी ट्रे निकालनी है वो इसकी हेल्प से निकल जाएंगी। तो यही सारे टूल आए थे इसके साथ। तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम इसको ऑन कर लेते हैं। और इसकी जो वायर की लेंथ है वो लगभग 3 फुट है, तो मैंने ऑन कर लिया है। और देखिए यहाँ पे एक LED दी हुई है रेड कलर की और इसके अंदर लाइट भी है। तो काफ़ी लोग अमेजोन पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस पे लाइट जलती है या नहीं जलती, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लाइट है। और आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ओके। और ये देखिए इसमें अपर ऑन कर रहा हुआ है मैंने, तो मैं क्या करूँगा अपर लोअर दोनों को ऑन कर दूंगा, ओके। तो इससे क्या होगा, नीचे और ऊपर दोनों रॉड गर्म हो जाएंगी। तो आप चाहें तो थोड़ी देर बाद हाथ से टच करके देख सकते हैं कि ये गर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसा कि मैंने इसको आपको बता ही दिया था कि ये चार रॉड्स हैं, एक अपर के लिए, एक लोअर के लिए, ये आपका फंक्शन वाला है और ये टाइमर है और इसमें अलार्म भी है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन था पूरा का पूरा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी वारंटी की और बाकी सब चीज़ों की। तो आपको इस प्रोडक्ट पे 2 साल की वारंटी मिलेगी अमेरिकन माइक्रोनिक्स की तरफ से। और जो आपको वारंटी के लिए क्या क्या कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना हो। क्योंकि इसके साथ आपकी कोई भी बुक नहीं आती है रेसिपी, तो अगर आप रेसिपी बुक लेना चाहते हैं तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, वो आपको रेसिपी बुक मेल पे वापस भेज देंगे। तो आप उससे PDF के थ्रू आप डिफरेंट रेसिपीज में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। और इसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको खरीद भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।